राजकुमारी का रोमांस। दिवाली में मिला चांस, गौरी की मदहोशियां, राज की बेबाकियां। जी हां, सीरियल कयामत की रात में आ गया है 6 महीनों का लीव। कालासुर के अंत के बाद इस दिवाली राज और गौरी की फैमिली मना रही है डबल खुशियां, और जारी है राज और गौरी की इश्कियां। दिवाली का अवसर है और सब फैमिली यूनाइट हुई है। एक रीजन ये है कि ईविल स्पिरिट जो बुरा साया था वो टल गया है, तो सब इंजॉय कर रहे हैं और राज गौरी का रोमांस चालू है। जिस कालासुर के आतंक ने राज और गौरी की दुनिया तबाह कर दी थी, आज वही राज और गौरी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं, अपनी बेफिक्र आशिकी में डूबे हुए हैं। आई नो दिवाली सेलिब्रेशन चल रही है और हमने 6 महीने का लीप लिया है और जैसे कि राज ने कहा, गौरी और राज का फुल ऑन रोमांस चल रहा है। अरे लेकिन ये क्या, राज को अचानक चक्कर क्यों आ गया भाई? तबीयत तो ठीक है जनाब की? फिलहाल जो उसको वो चक्कर थोड़ा सा आ रहा है, वो उसकी रीजन हम आपको बाद में बताएंगे। रहने दीजिए, हम ही बता देते हैं। राज को चक्कर आना इन्हीं का एक रोमांटिक प्लान था, ताकि जनाब गौरी के साथ अकेले में कुछ वक्त बिता सकें। देखिए, जैसे ही गौरी इन्हें अपने कमरे में लेकर आई, राज की तबीयत ठीक हो गई और फिर शुरू हुई मियां बीवी की आशिकी। लेकिन इनकी ये खुशियां ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। एक ट्विस्ट है हमारे एपिसोड्स में, हमारे शो में, कि जो कालासुर का खून है वो राज के रगों में दौड़ रहा है, जैसे कि प्रोमो में सबने देखा। भाई इस खतरे से अनजान राज और गौरी रोमांस के समंदर में गोते लगा रहे हैं। अब देखते हैं इनकी इस आशिकी पर कालासुर कैसे ब्रेक लगाता है। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो।